तो मैं बस अभी निकली हूँ, ढोल की नाइट में जा रही हूँ मेरे फ्रेंड की, और अभी बस तैयार हुई हूँ मैं। और जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मेकअप लगाया है, तो या आई मीन ये मेरा आउटफिट है बेबी, और सिंपल सा टॉप है और कुछ नहीं है, पैंट्स हैं। तो क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बहुत मुश्किल होता है, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल भी फील करो और थोड़ा बहुत अच्छा भी लगे। तो मैंने ये टॉप चूज़ किया है, बहुत ही फ्लोई है और यू नो जिसमें मैं सांस ले सकती हूँ, तो अच्छी बात है। तो या बस मैं निकलने वाली हूँ थोड़ी देर से, मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करेंगे। मेंस अलाउड है नहीं वहाँ, सिर्फ गर्ल्स नाइट है, नहीं तो मैं उनको भी लेके जाती। तो बस, तो मैंने सोचा कि निकलने से पहले आप लोगों से बातें कर लूँ थोड़ी बहुत। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपको वापस आके। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, क्योंकि अभी यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 9 और ये नेक्स्ट डे हो रहा है अभी। तो बस मैंने अभी अपनी मसाला चाय बनाई है और साथ में है कुकीज़, तो बस मैं अभी उसको पीने वाली हूँ। और या ये देखिए, तो ये है मेरी गर्मा गर्म सुबह की चाय और साथ में 2-3 कुकीज़ जो मुझे खाने पसंद हैं चाय के साथ। मुझे खाली पेट पसंद नहीं चाय पीना। मैं खाली पेट चाय पी नहीं सकती क्योंकि फिर मुझे मेरा पेट दुखता है ये वो, तो मैं साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ चाय के साथ। और एक्चुअली बोलते भी हैं कि खाली पेट चाय मत पियो, अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए तो आप कुछ भी साथ में खाएं उसके। तो या सुबह सुबह मुझे रोज़ चाय अच्छी लगती है पीना, और एक तरह से बोल सकते हैं कि मुझे एडिक्शन हो गई है चाय की, बहुत सालों की, एक्चुअली बहुत पहले की, बहुत साल हो गए। तो अच्छी बात नहीं है कोई भी एडिक्शन को पालना, लेकिन अब हो गई है तो क्या कर सकते हैं। पर लेकिन मुझे ग्रीन टी पीना भी बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी जैसे कैमोमाइल टी है रात में अच्छी लगती है पीना, काफ़ी आपको रिलैक्स कर देती है वो। तो ऐसे काफ़ी टीज हैं दूसरे तरह के जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं पीती हूँ, पर सुबह एक कप, ये जो हाफ कप है ये मैं ज़रूर पीती हूँ, बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं अपने नेल वीडियोस कहाँ पे शूट करती हूँ, कौन से रूम में, मेरा सेटअप कैसा है और मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए देखते हैं फिर। तो ये मेरा जो है ये गेस्ट रूम है, और ये बेड वगैरह, और यहाँ पे मेरा वैक्यूम स्टेशन बना हुआ है, और ये है मेरा नेल स्टेशन जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पे मैं अपने वीडियोस वगैरह एडिट करती हूँ। और ये है लैम्प, कभी कभी वीडियोस काफ़ी डार्क हो जाते हैं तो लैम्प की ज़रूरत पड़ती है वीडियोस पे। तो यहाँ पे मैंने रखा है कुछ कॉटन नेल पॉलिशेस को निकालने के लिए। ये मेरे पास कुछ कॉटन बर्ड्स हैं। यहाँ पे मेरे पास है ये स्पंजेस ऑमले बनाने के लिए, और ये है कॉटन बॉल्स। ये मेरे नेल पॉलिश रिमूवर्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास सारे ब्रशेस हैं, हम देख सकते हो कितने सारे ब्रशेस हैं। और ये हैं डॉटिंग टूल्स। यहाँ पे है अल्कोहल मेरे नेल्स क्लीन करने के लिए, ये है टूथपिक, ये क्रीम है, और यहाँ पे है प्रैक्टिस करने के लिए नेल व्हील। तो अगर मेरे दिमाग में कोई डिज़ाइन है तो फिर मैं इसमें प्रैक्टिस करने लग जाती हूँ, उसके बाद ही अपने नेल्स पर डिज़ाइन बनाती हूँ। और यहाँ पे है मेरे पास कुछ बेस कोट्स, ये हैं टॉप कोट्स, पीछे है क्यूटिकल ऑयल, और
कुछ पील ऑफ पेस्टकोट्स वगैरह। यहाँ मैंने छोटा सा प्लांट रखा हुआ है, थोड़ा ग्रीनरी है तो अच्छा लगता है। तो ये है मेरा टेबल यहाँ, और मैं यहाँ पे कैमरा रख लेती हूँ अपना, तो जो मेरे वीडियोस को शूट करता है। तो ये है मेरे पास, इसमें आते हैं ड्रॉर्स कुछ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास नेल पॉलिशेस हैं, ये तो मेरे पास इतने ही हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं देखती रहती हूँ कि कौन सा ओल्ड हो गया है, तो फिर मैं उसको चेंज कर देती हूँ और नए खरीदती रहती हूँ, तो और रिप्लेस कर देती हूँ इनको, देख सकते हो। और पीछे जो है मेरे पास कुछ नेल आर्ट स्ट्राइपर्स हैं, और ये जो सेकंड ड्रॉअर है यहाँ पे मैंने रखा है, यहाँ पे मेरे पास कुछ जेल पॉलिशेस हैं, स्टैम्पिंग पॉलिशेस हैं, और ये जेल पॉलिशेस हैं थोड़े बहुत, और यहाँ पे क्रीम है, हैंड क्रीम। ये मेरे पास है क्यूटिकल रिमूवर, और ये सारे ये जो टूल्स हैं यहाँ जिससे मैं अपने नेल्स वगैरह क्लीन करती हूँ, तो ये फाइल, बफर और नेल कटर वगैरह। और यहाँ पे मेरे पास इस साइड है सारे स्टैम्पर्स, नेल स्टैम्पर्स, और यहाँ पे मेरे पास स्टैम्पिंग प्लेट है, ये सारे स्टैम्पिंग प्लेट्स हैं यहाँ पे, ऐसे रख देती हूँ। और पीछे मेरे पास कुछ यहाँ पीछे मेरे पास कुछ नेल जेम्स वगैरह हैं, ये देख सकते हो। तो और ये है नेल व्हील, लाइक इसके ऊपर नेल्स चिपका के आप डिज़ाइन बना सकते हो, तो कभी कभी जैसे मैं इसके ऊपर भी लगा के डिज़ाइन बना देती हूँ, तो ये भी मैंने लिया हुआ था। और यहाँ पे भी मेरे पास ये मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो ऐसी फिंगर है और उसमें नेल लगा हुआ है, तो आप ऐसे टेबल पे इसको चिपका के एंड देन नेल प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये इसलिए मैंने लिया था। तो मेरे पास दो हैं, और यहाँ पे लाइक स्टिकर्स वगैरह चिपकाने के लिए नेल्स पे कोई डिज़ाइन बनाई है, तो बस इस ड्रॉअर में तो यही सब है। दिखाती हूँ इसमें क्या, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑलमोस्ट खाली सा ही है, तो एम्प्टी है, बस एम्प्टी है। ये बुक है कुछ डिज़ाइंस की, जापनीज डिज़ाइन इसमें, और ये मेरे पास कुछ एक्रेलिक पेंट्स हैं डिज़ाइन बनाने के लिए, और ये है लिंट रोलर जिसमें मैं अपने स्टैम्पर जो है आप उसको इसमें से क्लीन कर सकते हो। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ गाइस कि मैं कुछ स्टैम्पिंग डिज़ाइन बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि कैसे स्टैम्पिंग की जाती है। और इसमें बस मेरे पास ये वीडियो के इक्विपमेंट्स हैं, माइक्रोफोन, हेडफोन्स और ट्राईपॉड वगैरह, बैटरीज, ये वो कैमरा। एक्चुअली मेरा फ़ोन यहाँ पे जो फ़ोन है ये बैटरी डेड हो गई है इसकी, तो मैं अपने कैमरा से शूट कर रही हूँ, हैंडी कैम से। और जो लास्ट ड्रॉअर है यहाँ पे मेरे पास मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज, जैसे मुझे कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं तो रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और या ये मास्क है, मैं मास्क पहन के डिज़ाइन बनाती हूँ, तो पीछे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, स्पंजेस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉटन बॉल्स, और ये मेरे पास नेल यूवी लाइट है जो जेल नेल्स के लिए होती है, तो ये यहाँ पे रखी हुई है मैंने। और यहाँ पे मेरे पास नेल मैट है ये, तो ये बस एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं और कुछ नहीं। मेरे पास मेकअप यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे मेकअप करती नहीं हूँ, मैं अपने रूम में करती हूँ, तो अगर मुझे रखना हुआ तो शायद मैं इस ड्रॉअर में रखूँगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट खाली सा ही है।
तो मुझे कभी रखना हो तो मैं इसमें रखूँगी। और बस दैट्स इट फ्रेंड्स, और कुछ है नहीं यहाँ पे। और ये एक बड़ी सी विंडो है यहाँ पे, तो मैं इसको पूरा खोल लेती हूँ जब मैं फ़िल्म करती हूँ, तो काफ़ी लाइक ब्राइटनेस यहाँ पे आ रही होती है, तो वीडियो पे भी अच्छी ब्राइटनेस होती है, तो अच्छी बात है। और ये लैम्प है जो मैं ऑन करती हूँ, मेरे पास दो और लैम्प्स हैं जो अभी मैंने क्लोज़ेट में रखे हुए हैं। तो आई होप आपको ये मेरा नेल स्टेशन पसंद आया हो, और लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं कहाँ पे फिल्म करती हूँ, मैं नेल सप्लाईज वगैरह आपको दिखाऊं, तो सोचा कि आज मैं इसको फिल्म करती हूँ, आज अच्छा दिन है, वेदर भी काफ़ी अच्छा है, तो या अभी मैं आ गई हूँ नीचे अपने बेटे को सुला के। आज वो लेट सोया, उसका मन ही नहीं कर रहा था सोने का, तो मैं उसके साथ खेलती रही और उसके बाद उसको नहला दिया, खाना खिलाया और सुला दिया है। तो या अभी बस मैं बैठी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, और अपना एक तरह का मी टाइम हो रहा है, हम बातें कर रहे हैं। तो कभी कभी मैं वीडियोस फिल्म करती हूँ इस टाइम, टीवी देख लेती हूँ, कोई मूवी देख ली। कल मैंने देखी थी बरेली की बर्फी, उसके पहले मैंने देखी थी कौन सी है, टॉयलेट देखी थी, तो ऐसे मूवी देख लिया, टीवी देख लिया। टीवी में भी मैं कॉमेडी शोज़ ही देखती हूँ, कपिल शर्मा का शो मुझे बहुत पसंद है, और वीडियो एडिट कर लेती हूँ, तो ये मेरा मी टाइम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सब करना। मुझे लगता है कि जो मी टाइम है, खुद को टाइम लेना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि आप बिज़ी रहते हो बच्चे में, घर में, फैमिली में, तो आपका दिमाग काफ़ी बिज़ी रहता है, चलता रहता है, तो खुद के लिए टाइम लेना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो। तो या अपने लिए टाइम आप ज़रूर निकालें, दिन में 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, या जब बच्चा सोता है 1 घंटा हो, तो कुछ भी आप ऐसा करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, या जो भी आपका इंटरेस्ट हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई पेंटिंग हो, आर्ट हो, तो वो करना आई वुड से बहुत ही ज़रूरी है, और जिसमें भी आपको खुशी मिले। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मैं जो भी कंटेंट डाल रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, तो इससे मुझे पता चलेगा। और या आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और मैंने आपको अपना छोटा सा नेल स्टेशन और वीडियो जहाँ मैं फिल्म करती हूँ आपको दिखाया, तो आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आया है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ आज, और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।